नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। आपको बता दें कि प्राची ट्रेवल्स की बस जो छतरपुर से सतना की ओर जा रही थी, अचानक तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, वहीं एक यात्री गंभीर रूप से घायल और दो दर्जन से अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर है, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया है और पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मामला पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 39 के मोहनगढ़ी मोड़ की घटना का बताया जा रहा है। इस बारे में एडिशनल एसपी बीएस परिहार, रक्षित निरीक्षक देविका सिंह बघेल, यातायात प्रभारी कुमारी नीतू ठाकुर, नगर निरीक्षक हरि सिंह ठाकुर समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। जिला परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों का 10-10 मिनट में आगे पीछे का परमिट दिया जाने की वजह से इस तरह के हादसों में रफ्तार बढ़ रही है। वहीं ओवरलोडिंग मामलों की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यातायात और जिला परिवहन विभाग ओवरलोडिंग वाहनों पर नकेल कसने में लगातार नाकामयाब नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।